अस्सलाम रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तहरीन सलीम कसरी। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल्सो फाइन, सेव इन स्टे होम एज वेल। एज यू नो टू रीड योर सलामत क्लास क्लास सेवन सेशन सेवन चल रहा है आप लोगों का। तो आज की जो क्लास है आपकी, आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी जिसका नाम है रोज़ा, रोज़े की फजीलत और अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। टेक आउट योर बुक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चलते हैं फ़हरिस्त की तरफ, सबक सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सबक नंबर दो है जो आपका, वो है रोज़ा, सही। और पेज नंबर है सफ़ा नंबर 30, सही। सफ़ा नंबर 30 पे आज हम पहले कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे और इसके बाद अगली क्लास में इसके सवाल जवाब की रिवीजन करेंगे। ओके, तो जो रीडिंग में कराऊँगी उसी रीडिंग में से आपकी जो ब्लैंक्स भी होती हैं, ट्रू फॉल्स होती हैं, वो सब रीडिंग में से आती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। रोज़े को अरबी में सोम कहा जाता है, जिसके लफ्ज़ी मायनी है रुक जाना। शरीयत में इससे मुराद सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और इस काम से खुद को रोकना, उस काम को खुद से रोकना है जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। अहमियत व फजीलत। ठीक है, तो पहले इस पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं कि इस पर क्या बताया जा रहा है कि रोज़ा क्या है। रोज़े दीन इस्लाम का कौन सा रुकन है? तीसरा अहम रुकन है। ठीक है, दीन इस्लाम का कौन सा रुकन है? ये तीसरा अहम रुकन है जिसको अरबी ज़बान में सोम कहा जाता है। ठीक है, रोज़े को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। और जिसके लफ्ज़ी मायनी है क्या? लफ्ज़ी मायनी क्या है? रुक जाना, कि हमें रुकना है इसी चीज़ पर। किस पे हम रुक रहे? कि हम अपनी भूख प्यास पे, अपनी बुरी आदतों पे रुक रहे, रोज़ा रख के। ठीक है, शरीयत में इससे मुराद सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और हर उस काम से खुद को रोकना है। ठीक है, क्या करना है कि ग़ुरूब आफ्ताब से लेके और सुबह सादिक से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की चीज़ों से और हर उस काम से ख़ुद को रोकना है जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। ठीक है, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो। ठीक है, जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से सहरी में उठ जाते हैं, सहरी करते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और फिर उसमें रोज़े की नीयत करके नमाज अदा करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ से हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाता है, सुबह सादिक से लेकर स्टार्ट होता है और फिर हम हर उस काम के लिए कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने मना किया है उसे ना करें और जो हुक्म है उसे करें। ठीक है, इसके बाद है अहमियत व फजीलत। क्या अहमियत और क्या फजीलत है? अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यानी कि तर्जुमा, मोमिनों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। किस पर? हम पर, मोमिनों पर, मुसलमानों पर क्या किए गए? रोज़े फ़र्ज़ किए गए, हमें लाजमी। फ़र्ज़ का मतलब होता है कि वो लाजमी हमें काम करना है किसी भी हाल में, वाजिब है हम पे। जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो इसी तरह हम पर भी क्या किए गए? फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ताकि हम क्या बने? परहेज़गार बने, मतलब हर बुरी चीज़ों से रुकें और अच्छी आदतों अच्छे अमल करने की कोशिश करें। सही, परहेज़गार बने, हर अच्छी चीज़ करें, बुरी आदतों और बुरी चीज़ों से दूर रहें। एक और मकाम पर फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलियासुम, मतलब कि जो कोई तुम से इस महीने में मौजूद है, ठीक है, तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखें। ठीक है, अगर हमें वो महीना रोज़ा रमज़ान का महीना नसीब होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस महीने के तमाम रोज़े रखने चाहिए। सही है, उस महीने की क्या करना चाहिए? तमाम रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, सूरह बकरा में फरमाया गया है कि हमें अगर वो रमज़ान का महीना हमें नसीब होता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस महीने के तमाम रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि उस महीने के एक रोज़े का भी अजर बहुत है। सही, क्योंकि फ़र्ज़ी रोज़े हैं। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। ठीक है, रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़ज़ीलत को बयान करते हुए फ़रमाया, क्या फ़रमाया है? कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान है। ठीक है, जन्नत खूबसूरत जगह, हर मुसलमान का दिल होता है कि वो वहाँ जाए, उस जगह में आखरत में वो हम सबको नसीब हो। ठीक है, तो हर किसी का दिल होता है कि हम कहाँ जाएँ? जन्नत में जाएँ। ठीक है, तो हमें क्या है? तो जन्नत का एक
दरवाज़ा जिसका नाम किया है रयान। ठीक है, क़यामत के दिन उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। ठीक है, अब ये सोच लें, अगर आप रोज़े के पाबंद होंगे तो लाजमी उस दरवाज़े से दाखिल होंगे जिसका नाम किया है रयान है। ठीक है, तो उस दरवाज़े से सिर्फ कौन दाखिल होंगे? सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे जो पाबंदी के साथ रमज़ान के महीने में सारे पूरे रोज़े रखेंगे। सही कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? क्या कहा जाएगा? रोज़ेदार कहाँ हैं? वो लोग खड़े हो जाएंगे इस दरवाज़े से, उनके अलावा और कोई दाखिल नहीं होगा। ठीक है, वो तमाम लोग खड़े हो जाएंगे जो रोज़ा रखते थे। ठीक है, जो पाबंदी से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़ों को रखते थे और परहेजगार थे। ठीक है, तो वो तमाम लोग खड़े हो जाएंगे और उस दरवाज़े से दाखिल हो जाएंगे सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन लोगों के उस दरवाज़े से और कोई भी दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और बाकी जो लोग हैं वैसे ही इसको देखते रहेंगे। अक्सर आपने देखा है ना कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं किसी के पास होती है या कोई अच्छी, हमें भी उस चीज़ की तलब होती है, तो क्या हमें जन्नत की तलब नहीं है? हमें नहीं शौक कि हम भी अल्लाह के उस दरवाज़े के, जन्नत के दरवाज़े से जाएँ जिसमें से रोज़ेदार दाखिल होंगे? तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हमें रोज़े रमज़ान के महीने में तमाम रोज़े रखने होंगे ताकि हमें भी पुकारा जाए, ताकि हम भी उस उन लोगों में शामिल हों जो रोज़ेदार होंगे और जो उस दरवाज़े से दाखिल होंगे। ठीक है, तो रोज़ेदार किस तरीके से पुकारा जाएगा ना, कि जब हमें अल्लाह से पुकारेंगे रोज़ेदार कहाँ हैं, और वैसे हम खुशी खुशी खड़े हो जाएंगे कि भाई हम उन लोगों में शामिल हो रहे हैं जो पाबंद है, परहेजगार हैं, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं और हर उस चीज़ से रोक अपने आप को रोके रखा जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। ठीक है, तो हम उन खुश लोगों में होंगे। ठीक है, इसके बाद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ना रखने के गुनाहों को बयान करते हुए फरमाया। ठीक है, अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो रोज़े नहीं रखते, पहले तो उनके बारे में बता दिया गया कि जो रोज़े रखते थे और उनका क्या अजर है और कितना फ़र्ज है रोज़ा रखना। ठीक है, रोज़ा रखना लाजिम है, जिसको रमज़ान का महीना नसीब होता है उसे चाहिए कि वो लाजमी पूरे महीने के रोज़े रखे और फिर जन्नत में उन्हें आला मकाम मिलेगा और जन्नत का एक दरवाज़ा भी उनके लिए जिनको, जिसका नाम क्या है, रयान। ठीक है, एक दरवाज़े क्या है, रयान है। ठीक है, वहाँ से सिर्फ कौन जाएंगे? सिर्फ रोज़ेदार ही जाएंगे, खुश नसीब लोग होंगे वो। सही, तो अब क्या बताया जा रहा है, अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो रोज़ा नहीं रखेगा उसका, उसके गुनाह का बताया जा रहा है कि कितना, मतलब कितना बड़ा गुनाह है। जिस शख्स ने किसी मजबूरी और अज़र के बगैर रमज़ान का एक रोज़ा ना रखा और वो रमज़ान के अलावा तमाम उम्र के रोज़े भी रखे, तो वो उसका बदल नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि रमज़ान का महीना वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा अफजल वाला महीना है। ठीक है, अफजल और बरकत वाला महीना है। ठीक है, अगर हम उसके अंदर एक नेकी करते हैं तो हमें 70 नेकियों का सवाब मिलता है। कितनी? 70 नेकियों का सवाब मिलता है। ठीक है, हर एक नेकी का, हर एक छोटी से छोटी नेकी का हमें कितना, 70 नेकी का सवाब मिलता है। तो जब एक रोज़े का हम एक रोज़ा हम रखेंगे तो हमें कितने रोज़ों का सवाब मिलेगा? 70 रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो ये सोचें कि अगर हमने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, एक रोज़ा नहीं रखा, तो हमें कितना गुनाह मिलेगा? 70 गुना उसका गुनाह मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के महीने में हर वो अच्छे काम करने चाहिए, हर अमल करने चाहिए और हमें हर वक्त परहेजगार रहना चाहिए। और रोज़े में इन सब की ताकीद होती है कि आपने क्या करना है, परहेजगार बनना है, हर बुरे कामों से रुकना है और अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक छोटी से छोटी का अजर भी 70 गुना मिल रहा है तो आपको बुराई का भी, गुनाह का भी 70 गुना ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो क्या है, इसका बदल नहीं है। जिसने रमज़ान का एक रोज़ा नहीं रखा उसका मतलब उसने 70 रोज़े नहीं रखे, और उसका बदला तो हम किसी और महीने में कुछ जगा ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपने फ़र्ज़ी रोज़े छोड़ दिए तो उसका बदल है ही नहीं। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि वो रमज़ान के अलावा तमाम उम्र के रोज़े भी रखे तो उसका बदल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो रमज़ान की फजीलत है और वो किसी महीने में ऐसी फजीलत नहीं है रमज़ान के रोज़ों की। यानी जितना अजर रमज़ान के एक रोज़े का है, रमज़ान के अलावा पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने से भी इतना अजर नहीं मिल सकता। देखिए, यही बात यहाँ बताई जाती है कि अगर आपने रमज़ान का एक रोज़ा रखा तो उसका अजर बहुत है। ठीक है, तो अगर आपने एक वो रोज़ा छोड़ दिया, ठीक है, अगर एक रोज़ा आपने छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी उस रोज़े का अजर नहीं मिलेगा। काउंट तो हो जाएगा आपका रोज़ा कि हाँ चलो आपने वो फ़र्ज़ी रोज़ा छोड़ दिया और आपने बाद में रख दिया, लेकिन जो अजर रमज़ान के महीने में रोज़े रखने का है वो आम दिनों में रोज़े रखने का नहीं है। ठीक है, जितना अजर आपको रमज़ान के महीने में एक रोज़ा रखने का होता है उतना अजर आपको आम दिनों में रोज़ा रखने का नहीं होता। सवाब मिलता है, ये नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा कि अगर चलो भाई रमज़ान में नहीं रखा तो कोई बात नहीं, हम चलो बाद में नहीं रखेंगे, नहीं,
फ़र्ज़ तो आपने वो फ़र्ज़ तो करना है पूरा कि रमज़ान में नहीं रखा तो लास्ट में इसको बाद में रखना है, लेकिन जो अजर रमज़ान में है वो अजर नहीं मिलेगा, ठीक है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पहले और बाद के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। क्या जिस इंसान ने ईमान और सवाब के लिए, किसके लिए? ईमान और सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखे, ठीक है। रमज़ान का 1, 2, 30 रोज़े हमें मिलते हैं और कितने हमारे गुनाह होते हैं, हम हर कदम पे गुनाह करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुनाह करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, चाहे कोई भी बात हो गाली गलौज पे अभी आ जाते हैं, बदतमीज़ी पे आ जाते हैं, चाहे कुछ भी बात हो बदखलाकी पे आ जाते हैं, कोई भी हो हम अपने हर गुनाह में मतलब हर कदम पे क्या करते हैं, छोटे छोटे गुनाह लाजिम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो गुनाह ना करें, सही है, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला है, ठीक है, जब तक इंसान खुदाओं का पुतला है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अगर आप इस नियत के साथ ईमान और सवाब की नियत तो क्या हो जाएगा, उसके पहले और बाद के गुनाह जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला उसे क्या कर देंगे, माफ़ फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक रहीम व करीम है, ठीक है, वो हम पे रहम फरमाने वाला है, सही। तो जिस इंसान ने रमज़ान के रोज़े इस नियत के साथ रखे तो उसके तमाम गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। फ़वाइद व समरात, मतलब हमें इसके क्या फल मिलेंगे और उसके हमें क्या फ़ायदे हैं वो हम देखेंगे। चलें, रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा रखने के बेशुमार फ़वाइदे जिनमें से चंद एक दर्जा से लें, ठीक है। रोज़ा रखने के बेशुमार मतलब कि ला तादाद, जिसकी कोई तादाद नहीं, अगर आपने एक रोज़ा रखा है तो उसके बेशुमार फ़वाइदे। पहला तो यही है ना कि अगर आपने रमज़ान का रोज़ा रखा हो तो उसके 70 गुना हमें जगह मिल रही है, 70 गुना एक, हम तो क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। तो जब हम रमज़ान में हम छोटी से छोटी नेकी भी करेंगे, रोज़े रखेंगे, रोज़े के साथ वो नेकी का अजर भी क्या हो जाएगा, डबल भी नहीं ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि रोज़ा रखने के बेशुमार फ़वाइदे, तो चंद एक जो यहाँ लिखे हैं उसे हम पढ़ते हैं। नंबर एक, रोज़ा रखने से इंसान को तकवा और परहेज़गारी मिलती है, ठीक है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो ख़ुद हमारे अंदर एक ऐसी कुव्वत आ जाती है कि हम परहेज़गार बन जाते हैं। देखा होगा कि हम खुद जैसे हम रोज़ा रखते हैं कि हम हर बुरी बात से बचने की कोशिश करेंगे, मोबाइल भी कम यूज़ करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो नहीं देखते। इसके अलावा हम पाबंद हो जाते हैं नमाज़ के, जैसे ही हमें पता कि चलो रमज़ान है, अज़ान हो रही है, तो क्या हमारा रोज़ा होता है, तो हम परहेज़गार हो जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं उस चीज़ के कि हमें लाजमी वक्त पर नमाज़ अदा करनी, ठीक है। और क्या, यानी इंसान में एक ऐसा नूर भी पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो नेकी से मोहब्बत करता है और बुराई से नफरत करता है। हमें खुद नियत होती है, हमारी खुद मतलब कोशिश होती है, क्या होती है कि हम उसमें क्या रोज़े की हालत में कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, अच्छे काम करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ये खुद एक जज्बा पैदा होता है कि हमें क्या करना है, रोज़ा रख के अल्लाह के हर अच्छे अमल को पाबंदी से अदा करना है, ठीक है। और फिर से क्या होता है, नेकी से मोहब्बत होने लगती है, हर वो काम खुशी खुशी दिल से करता है, और बुराई से इसको क्या होने लगती है, नफरत होने लगती है, सही। नंबर दो, रोज़ा अल्लाह ताला की किब्रियाई और अज़मत को बयान करने का ज़रिया है, बड़ाई और अज़मत, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है, क्या करता है, रोज़ा। सही है, मुराद ये है कि रोज़े की हालत में एक इंसान को सख्त प्यास लग रही है हो और इसके पास ठंडा पानी और मीठा पानी मौजूद हो और वो कमरे में अकेला भी हो लेकिन फिर भी वो पानी नहीं पीता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसे देख रही है, ठीक है। तो देखो, जब वो रोज़े की हालत में होता है तो उसे मालूम होता है कि अगर आप बंद कमरे में मौजूद हो तो लेकिन एक ज़ात जो है हम पे नज़र रखी है पूरे 2400 घंटे, ठीक है, तो वो हम पे हर वक्त नज़र रखती है। कौन सी ज़ात है? वो अल्लाह पाक की ज़ात है, जो मैं हर हाल में हर जहाँ पे भी हम मौजूद होते हैं, चाहे वो किसी गुफा में भी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह को मालूम होता है कि मेरा ये बंदा मौजूद है, मुझे इसकी मदद करनी है। अगर वहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दी हुई है, अगर पास ठंडा और मीठा पानी हो, रोज़े की हालत में कितनी प्यास लगती है, लेकिन क्या अल्लाह पाक हमें सब्र फरमा रहा होता है, अल्लाह पाक की तरफ से हमें सब्र आता है कि हमें क्या करना है कि इसमें अपनी प्यास को और अपनी भूख को रोके रखना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की अज़मत हम पर है, ठीक है ना, अल्लाह ताला मेहरबान है हम पे, ताकि तभी हम अपनी जो हम इस चीज़ को रोके रखते हैं अपने पास, ताकि हम अब क्या नहीं अदा कर, अगर हमें भूख भी लग रही हो तो नहीं हम अपने खाने को रोकते, नहीं हमें रोज़ा रखा हुआ है हमें नहीं करना, प्यास भी लगती है तो नहीं हम पानी नहीं पीते कि हमें रोकना है, चाहे हम कमरे में बंद क्यों ना हो, लेकिन हमें इतना डर होता है कि अल्लाह के साथ हमें क्या देख रही है, चाहे कमरे में कोई ना हो, भले हमें अम्मी अब्बू कोई ना देखें, हमारे वालदैन ना देखें, हमारे भाई बहन ना देखें, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो देख रही है ना, तो अल्लाह की ज़ात की वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमें रोज़े की हालत में पानी पीना खाना जो अलाउ नहीं है वो हम उससे बचे रुक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है
रोज़े में भूख और प्यास से बर्दाश्त करके इंसान में इस्तकामत और सब्र का मादा पैदा होता है। ठीक है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें भूख और प्यास से क्या होता है, बर्दाश्त कर देते हैं, क्योंकि इंसान डटे ही रहता है उस चीज़ पर, सब्र कर रहा होता है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अफ्तार में ही खाना है, इससे पहले नहीं खाना। क्या खाना है? अफ्तार में अपनी भूख प्यास, अफ्तार तक ही अपनी भूख प्यास को रोके रखना है। जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होगा अफ्तार के वक्त, हम तभी खाना करेंगे। तब तक हमें क्या करना है, सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सम्राट जैसे वहाँ पे कहा गया था, रोज़े में भूखा प्यासा रह कर इंसान को गरीबों की तकलीफ़ों का एहसास होता है। ठीक है, जैसे कि अमीर लोग होते हैं उन्हें तो नहीं पता होता ना कि उनके पास हर आसाइशें मौजूद होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने एक ऐसा महीना बनाया है कि उनको भी एहसास हो कि जब हम भूखे रहते हैं, जब कोई गरीब भूखा रहता है तो वो क्या होता है कि उसको कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसलिए रमज़ान को गम गुजारी का महीना करार दिया गया है। कौन सा महीना? गम गुजारी का महीना करार दिया गया। नंबर 5, वक्त पर रोज़ा खोलना और खाना इंसान को वक्त की पाबंदी सिखाता है, और इंसान समझता है कि वक्त की पाबंदी इतनी ज़रूरी है कि अगर वक्त से एक मिनट पहले रोज़ा खोल लिया गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, रोज़ा ये दर्द देता है पहले यहाँ तक कि क्या है, रोज़ा क्या कर रहा है, हमें वक्त की पाबंदी का एहसास दिलाता है। जैसे अगर हमने रोज़े से पहले, अफ्तार से पहले कुछ खाना पीना कर लिया तो क्या हो जाएगा, हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं कि अफ्तार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अफ्तार के वक्त ही हमें अपना रोज़ा खोलना होता है, तभी तब तक हम क्या करते हैं, पाबंद होते हैं किस चीज़ के, कि हमें कुछ खाना पीना नहीं करना। सही है, रोज़ा ये दर्द देता है कि जिस तरह रोज़ादार रमज़ान में सहर अफ्तार में वक्त की पाबंदी करता है, इसी तरह ज़िंदगी के हर अमल में वक्त का पाबंद हो जाए। ठीक है, तो रोज़ादार हमें क्या, रोज़ा ये हमें क्या दर्द देता है, इस बात का दर्द देता है जिस तरीके से हम रमज़ान में पाबंद होते हैं, कि देखा होगा सहर का एक वक्त मुकर्रर है और क्या अफ्तार का भी क्या एक वक्त मुकर्रर है। सहर से हम क्या, सहर का टाइम जैसे वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, सहर का टाइम जैसे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम खा पी रहे हैं तो वो सहरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, और फिर क्या है, अफ्तारी से पहले हम कुछ नहीं खा सकते, अफ्तार के टाइम पे ही खा सकते। अगर अफ्तार से पहले हमने कुछ खा लिया है तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो हम क्या होते हैं, वक्त के पाबंद हो जाते हैं कि इसी टाइम के अंदर हमें खाना पीना करना है, सहर व अफ्तार करनी है। इसी तरह ज़िंदगी के हर अमल में वक्त का पाबंद हो। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम इसकी पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम वक्त की पाबंदी का भी आगे अमली ज़िंदगी में भी इसका ख्याल करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो पूरे इस चैप्टर की रीडिंग थी। आई होप सो आपने इसको अच्छे से समझा होगा और समझ आया होगा कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, कितना सवाब है, कितना अजर है इसका। ठीक है, तो इस पूरी रीडिंग होगी, इसके साथ मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, ब्लैंक्स हैं ये, वैसे तो आपकी ब्लैंक्स हुई भी हैं लेकिन फिर भी एक असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको इसको दे रही हूँ, तो कल की क्लास में इसको मैं चेक करवाऊँगी और टैली करवाऊँगी। सही, तो आज की क्लास यहीं पे एंड की जाती है। ओके, तो आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं पे एंड की जाती है। कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग हो गई, साथ साथ मैंने आपको समझा भी दिया है। तो अब आपने यही करना है कि जो इसके ब्लैंक्स हैं वो करनी है होमवर्क के तौर पे, और जो अगली क्लास है उसकी अगली क्लास हमने ये करना है कि जो क्वेश्चन आंसर उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बस आज हमने ये पढ़ा है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं, अजर इसके जो फ़वाद थे वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अगली क्लास हम लेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।